रसायन की पाठशाला में मैं हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी बच्चों का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आज आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य लेके आया हूं। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि आप अपने रसायन विज्ञान की परीक्षा में किस तरह तैयारी करके बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि फिर एक नया मोटिवेशन का हम आपके लिए लेक्चर लेके आए हैं। और मैं आशा कर रहा हूँ मुझसे पढ़ने वाले सभी बच्चे मेरी बातों को ध्यान से सुनकर उपरोक्त बातों को अपनी पढ़ाई में अमल करेंगे और बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। तो बच्चों, पहले तो दो बातें जनरल है, सभी बच्चों पे अप्लाई होती हैं, वो किसी भी कोर्स के बच्चे हों। फिर मैं केमिस्ट्री की बात भी करूँगा अलग से। सबसे पहली बात आपका कंसंट्रेशन, एकाग्र होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आप कई बार कि आप अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाना है, केवल पढ़ाई पे लगाना है। अभी आपका लक्ष्य एक है, आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना है। एकाग्र तो होना ही होना है, ये बात तो सबको रखना है ना। दूसरी बात, आप अपना जो टाइम है उसको एक शेड्यूल बना लें, पढ़ने का और अन्य कामों का एक शेड्यूल बना लें, टाइम टेबल बना लें, जिससे आप समय पर सही तैयारी कर सकें। ये दो बात तो कॉमन हो गई हैं। अब कुछ मुख्य बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आप अपने केमिस्ट्री की तैयारी में अपनाएंगे तो आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे अंक लाएंगे। जैसे कि आपके थंबनेल में लिखा हुआ होगा बच्चों कि आप अगर जीरो हैं तो आप हीरो बनकर निकलेंगे, जीरो से हीरो बनकर निकलेंगे अगर आप उन बातों को अमल करेंगे। बच्चों, आपकी केमिस्ट्री के तीन भाग हैं। पहला भाग फिजिकल, भौतिक रसायन, दूसरा भाग इनऑर्गेनिक और तीसरा भाग ऑर्गेनिक। अर्थात आपकी जो रसायन विज्ञान है वो मुख्यतः तीन भागों में विभाजित है, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। आपको इन तीनों की एक साथ तैयारी करनी है। मैं आपको एक मार्ग बताऊंगा, जिस मार्ग पर चलकर आप इनको व्यवस्थित रूप से तैयार कर लेंगे और आपके अच्छे नंबर आने की बहुत अधिक संभावना है, ठीक है ना। पहले बच्चों बात करते हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कार्बनिक रसायन में हम किस क्रम में तैयारी करें कि हमारी पूरी कार्बनिक रसायन कवर हो जाए और हमारे अच्छे नंबर आ जाएं। सबसे पहला काम बच्चों, पेन कॉपी भी उठा सकते हैं आप, नोट कर लेना इस बात को, है ना। सबसे पहला काम, आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के IUPAC नोमेनक्लेचर कर लें। आपको नाम आने चाहिए पहले, तो क्या आने चाहिए, ये कॉमन बात है, मतलब इसको याद नहीं करना, आपको कक्षा 10 से 9 से पढ़ाया जाता है। सबसे पहले आपको नामकरण आना अनिवार्य है, अच्छे से नामकरण आना अनिवार्य है। यानी आप पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखना सीखना है। बच्चों, नामकरण के वीडियो मैंने बहुत से भेजे हैं, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको आपकी जो 12th की बोर्ड में जितने भी नेम रिएक्शंस हैं, नाम से होने वाली अभिक्रियाएं जो हैं, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स में देखना है, एल्कोहल फिनॉल ईथर में देखना है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स एमाइंस, सब में आपको जो भी नेम रिएक्शंस हैं, जो नाम की अभिक्रियाएं हैं, उन नाम की अभिक्रियाओं को छांट कर उन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत से क्वेश्चन उनमें से मिल जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। नेम रिएक्शन को भी मैंने आपको अलग अलग 3 या 4 वीडियो में बताया है, आप संबंधित वीडियो में नेम रिएक्शन याद कर सकते हैं। यानी दो बातें होंगी, आपको IUPAC नाम याद होना चाहिए, आपको नेम रिएक्शन से याद होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरी बात आती है कि आप इनमें कन्वर्जन सीख लो, कन्वर्जन कि क्या होता है जब, या मिथेनॉल से इथेनॉल कैसे बनेगा, या प्रोपेन 1-ol से प्रोपेन 2-ol कैसे बनेगा, या एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो कन्वर्जन होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। आप कन्वर्जन के कम से कम 20-25 पेज भर लो अपने, आप प्रैक्टिस करोगे कन्वर्जन अपने आप आ जाएगा। अभी प्रेजेंट में मैं आपको कन्वर्जन के वीडियो भेज भी रहा हूं, अगर आप उनको देखेंगे तो आपका एक भी कन्वर्जन मिस नहीं होगा, सारे कन्वर्जन आपके हो जाएंगे। तीसरी बात कन्वर्जन। चौथी बात बच्चों, आपको सारे रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं, क्या होता है जब वाले क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन बच्चों में अलग अलग बच्चों को बताए हैं मैंने,
अलग अलग लेसन में अलग अलग सामान्यतः रीजनिंग के गुण भौतिक गुणों में ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आईयूपीएसी करना है, नेम रिएक्शंस करनी है, इसके अलावा आपको रीजनिंग करना है और कन्वर्जन करना है। चार बातें कर लेंगे तो आपकी लगभग लगभग 70% केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। अब बकाया बचा तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसके याद करते ही कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फटाक से कर लेंगे, तुरंत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी। अगली बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री की। तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का एक ही सूत्र है, केवल आपको उस केमिस्ट्री में आने वाले सारे फॉर्मूले आने चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, सभी तरह के फॉर्मूले आने चाहिए। इससे संबंधित पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं, ज्यादातर प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, सबरे फॉर्मूले याद कर लो तो आपके न्यूमेरिकल बन जाएंगे। पिछले 5 और 10 वर्षों की बोर्ड एग्जाम के प्रश्नों को आप देख लो, उनमें ज्यादातर प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री तैयार हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा आपको काम नहीं करना है। क्या कह रहा हूं मैं, सारे फॉर्मूले याद कर लो, उनसे संबंधित सवालों की प्रैक्टिस कर लो, और पिछले 10 वर्षों के आप बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं फिजिकल के, वो लिख लोगे तो आपको आधे क्वेश्चन से ज्यादा तो हट जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, आपका काम बन जाएगा बेटा, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यह भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है बच्चों, बच्चों को यहां बहुत तकलीफ होती है। जैसे इसका सबसे पहला आईयूपीएसी था, इसी प्रकार इसका सबसे पहला भाग पीरियोडिक टेबल है। सबसे पहले आपको आवर्त सारणी क्रमशः याद होना जरूरी है, सभी ग्रुप के नाम, सभी ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम, उनके परमाणु क्रमांक, उनके परमाणु भार, इन सब बातों को समाहित किया हुआ एक वीडियो मैंने आपको प्रेषित भी किया है, आप उससे देखकर याद कर सकते हैं। यानी सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि इनके आवर्त सारणी में पूरे एस और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। दूसरा काम, इनके सामान्य गुण याद करना है, इनके सामान्य गुण, मैं सामान्य गुणों की बात कर रहा हूं बेटा, पहले भी सबका परमाणु आकार कैसा होता है, सबकी आयनन ऊर्जा, सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सबका ऑक्सीकारक अपचायक गुण, सबके हाइड्राइड्स, ठीक है नहीं, सबके ऑक्सी एसिड्स, कॉमन गुण, आपको सबके एक साथ कॉमन गुण लिख लेना है और एक साथ कॉमन गुण याद कर लेना है आपको। क्या कह रहा हूं मैं, सबको पीरियोडिक टेबल में याद करना है, सबके कॉमन गुण याद कर लेना है आपको, जो सब में आते हैं वो याद कर लेना है। जैसे हाइड्राइड सब में आता है बेटा, हाइड्राइड बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था सब में आता है, इनमें हाइड्राइड, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था पूरे पी ब्लॉक में आता है बेटा, है ना। हाइड्राइड ऑक्सीकरण अवस्था आती है, इनमें संकरण, इनकी शेप क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन, किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसको भी आपको याद कर लेना है। इन सबके बच्चों वीडियो मैंने अलग अलग प्रदर्शित किए हैं आपको, इनको याद कर लेना, हाइड्राइड, हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानकारी, इनकी सबको याद कर लेना है। ऑक्सी एसिड्स की संरचनाएं, ऑक्सी एसिड्स की संरचनाएं भी याद करना है। फिर जब आप ये याद कर लोगे, इसके अलावा प्रत्येक ग्रुप के जो पहला मेंबर है उसका असामान्य व्यवहार, प्रत्येक ग्रुप के पहले मेंबर का असामान्य व्यवहार क्यों है, उसके कौन कौन से असामान्य व्यवहार हैं, उसको आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। अब 4-5 बातें हो गई हैं, अब आप सीधे आ जाएंगे कंपाउंड्स पे, बस आप सीधे कंपाउंड्स पे आ जाएंगे। तो कंपाउंड्स में दो गुण बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑक्सीकारक और अपचायक गुण, जिन जिन के देखे छांट के एक साथ निकाल लो, ऑक्सीकारक और अपचायक गुण एक साथ निकाल के लिख लो आप, उनको कर लो। इसके अलावा बच्चों आपका ज्यादा केमिस्ट्री बचेगी नहीं इनऑर्गेनिक, लगभग सब हो जाएगा इसमें। यानी आपको पहले पीरियोडिक टेबल याद कर लेनी है, उसके बाद कॉमन गुण याद करना है। कॉमन गुणों में मुख्यतः 3 गुण मुख्य हैं, हाइड्राइड्स, संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी ऑक्सीकारक अपचायक गुण आपको याद कर लेना है, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, आपको इनका असामान्य व्यवहार, पहले तत्व का असामान्य व्यवहार याद करना है। तीसरी बात, आपको इनमें होने वाले संकरण, संकरण याद करना है, और ऑक्सी एसिड्स की संरचनाएं याद करनी है। इनर्ट गैस में भी बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन आता है और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आती है। चौथी बात, आपको 2-3 कॉमन गुण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर याद कर लेना है,
और आपको डायरेक्ट एलिमेंट कंपाउंड्स पकड़ के उनके बनाने की विधि गुण उपयोग कर लेंगे तो आपका पूरा भाग कवर हो जाएगा। बच्चों मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, यदि आप इसी क्रम में तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे अंक आने वाले हैं आपके आपके केमिस्ट्री परीक्षा में, बहुत अच्छे अंक आएंगे। केवल आप अपना पूरा विश्वास के साथ, पूरे मनोयोग के साथ अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें। मैं अपने सभी बच्चों को इस मार्ग पर चलकर अच्छे से अच्छी पढ़ाई करने एवं बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने की पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।